ना आप लोगों में से वैसे स्टूडेंट्स जो कि इस साल के प्रीलिम्स दे रहे हैं टेंथ अक्टूबर को इस मिस्टेक को फिर से रिपीट आप लोग मत कर देना ना मैं कौन से मिस्टेक की बात कर रहा हूं आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले सिविल uh, सर्विसेज 2020 का कट ऑफ बेसिकली आया है जिसमें प्रीलिम्स का कट ऑफ को फोकस कीजिएगा मेंस फाइनल ये इसको मैं अभी नहीं फोकस कर रहा हूं देखा ठीक है प्रीलिम्स के कट ऑफ को अगर फोकस कीजिएगा जनरल में देखिएगा नाइन्टी जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं दैट ट्वेंटी टू का जो ट्वेंटी ट्वेंटी का जो पेपर था ना दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई किया हुआ है राइट right? तो इसके आधार पर हम क्लियरली देख सकते हैं कट ऑफ कितना लो गया था नाइनटी टू पॉइंट फाइव वन है ना ईडब्ल्यू कैटेगरी में सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव ओबीसी में एटी नाइन पॉइंट वन टू तो आप समझ एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी सो देखो ये सारे कट ऑफ को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं इन जनरल को बात कर रहा हूं डेट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा सबसे कम कट ऑफ गया इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था मतलब 93 भी लाना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था समझ रहे हो बात और उसमें अगर मैं आपको अभी कुछ कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा ना आप चौक जाइएगा इन रिजल्ट को देखिए राइट ट्वेंटी का रिजल्ट है देखो अगेन कट ऑफ तो पार है पेपर वन में बट पेपर टू में क्या हुआ लटक गए ये भाई साहब 67 तो क्वालिफाई है ना 67 भी नहीं ला पाया इन्होंने ठीक है एकदम देखो पास में आर्टिकल लटक गए ठीक है तो ये तो देखो 59 लाया इन्होंने इनका देखो 65 और भाई साहब पेपर वन देखो मतलब ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला बंदा था ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें इसको राइट करना था पेपर टू में सिर्फ और सिर्फ इसका एक क्वेश्चन राइट होना था एक क्वेश्चन के लिए यह बंदा लटक गया सी सेट में समझ रहे हो बात और पेपर वन में देख रहे हो कितनी मेहनत की थी इस बंदे ने आशा करता हूं दैट इस बार इसका एटलीस्ट निकल जाए चलो कोई बात नहीं चलो तो देख लिया आप लोगों ने पेपर वन में कितना भी मेहनत कर लो पेपर टू अगर नीचे रह गया ना बर्बाद हो जाना है राइट तो पेपर टू इसका मतलब मैं इस क्लास में सी सैट को एक्चुअली में फोकस करना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ सी सेट में मतलब गलती मत कर देना इनके नंबर देखो भाई इनके नंबर दो तो धांसू नंबर है पेपर वन में देखो वन ट्वेंटी अब क्या बोलोगे इसमें जिसका आया होगा वो तो रो रहे हैं है ना बट कोई इंसान देखकर इसको हंसेगा भी भाई इतना अच्छा मतलब शायद बहुत ही ज़्यादा यू नो मेहनत की थी इस बंदे ने बट पेपर टू में देखो कितना पुअर परफॉर्मेंस है ना उसके लिए पूरा डामा डोल आपको मेंस का पेपर बैठने में ये नहीं दिया गया समझ रहे हो बात है ना और ऐसे भी पेपर होते हैं जिसमें माइनस लोग लाते हैं चलो ये लोग तो वेल्ले होते हैं इनको तो मतलब ये लोग कुछ भी नहीं प्रिपेयर करते हैं ये लोग ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं ना जो कि सोचते हैं अरे है? भाई पेपर ही तो मैथ्स ही तो है रीजनिंग ही तो है बच्चा वाला हम लोग तो यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोगों के द्वारा तो दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा ठीक है और ये लोग पता है कौन किस टाइप के लोग हैं ज़्यादातर इंजीनियर्स होते हैं ना इंजीनियर सोचते हैं अरे भाई हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हमारा क्या टेंशन है हमारा तो निकल ही जाएगा देखो आप सोचते हो ना ऐसे नंबर तो आप ले आओगे जीएस में जी टू में अगर इस टाइप के नंबर आ गए ना फिर रोते रह जाना ठीक है इसीलिए मेक श्योर दैट इस क्लास में जो मैं फोकस करने वाला हूँ वो है पेपर टू दैट इज सी सैट वैसे मेरा ये फोटे नहीं है बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट कट डिविजन दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि देखो टेक्निकली अगर देखोगे दस दिन भी नहीं बाकी है अभी पेपर के ठीक है तो मैं लास्ट टाइम में अगर कुछ मेरे तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला हूँ ट्रस्ट में देखो सी सैट ठीक है सी कंसिस्ट करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन ठीक है ये तीन चीज तो आपको पता है जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपको मैथमेटिक्स में प्रॉपर कमांड होना चाहिए रीजनिंग रिस्पेक्टिवली ज्यादा इजी होता है बहुत ज्यादा इजी होता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसमें इंग्लिश का थोड़ा कमांड इंग्लिश का क्या कमांड बोलूंगा इसमें प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड होना चाहिए बेसिकली ठीक है देखो रीडिंग कॉम्प्रिंशन में भी ये लोग गेम खेलते हैं ठीक है देखो क्वांट तो एकदम टू द फॉरवर्ड अगर आपको आंसर आया तो उस चार जो ऑप्शन है ना ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो आपका आंसर दिया ही हुआ रहेगा ठीक है मतलब क्वांट ऐसा चीज है ना जो क्या सबसे ज्यादा सटीक आप मार सकते हो आंसर निकला तो निकला नहीं निकला तो नहीं निकला है ना रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ठीक है इसमें भी काइंड kind ऑफ of, मतलब माइंड के एक गेम है बट हां रिस्पेक्टिवली इजी है और रीडिंग कॉम्परिएशन में क्या गेम खेल जाते हैं यूपीएससी वाले ये लोग ना ऐसा रीडिंग कॉम्प्रीशन कुछ कुछ एकदम बड़े बड़े रीडिंग कॉम्परेंशन देंगे एकदम आधा पेज एक पेज का रीडिंग कॉम्पिटेशन कुछ कुछ इतने छोटे छोटे रीडिंग कॉम्परिएशन अब बच्चे लोग क्या करते हैं दैट ये पूरा पेज पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते है, अरे भाई जब इतना बड़ा रीडिंग कॉम्पिटेंशन है मतलब यूपीएससी के दिमाग के साथ आपका खेल रहा है वो इतना बड़ा क्यों दे रहा है एक छोटा सा आंसर के लिए है ना ढाई नंबर के क्वेश्चन के लिए क्योंकि वो गेम आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है वो है ना तो देखो यही सब कभी कभी ऐसा चीज होता है जो कि हमें समझना चाहिए है ना वो बोलेगा नहीं आपको क्लियरली बट आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा जब अगर एक बे, एक पेज का अगर रीडिंग कॉम्प्रींशन नहीं रहेगा तो आप उस और उसमें भी अगर एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा हुआ चलो दो तीन क्वेश्चन पूछा तो बात का बात चलो ठीक है आप पढ़ लें बट अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो तो आपका टाइम वेस्ट ही ना कर रहा है जी है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें लीव कर देना चाहिए या फिर जो चार पाँच लाइन या फिर ठीक है छः सात लाइन या फिर थोड़ा मिडिल क्वेश्चन है उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो है ना बहुत समय इतना छोटा रहेगा और उसमें ही तीन क्वेश्चन दे देंगे ये लोग समझ लो तो वो तो खैर सोने पे सुहागा वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ठीक है तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी ठीक है और आपको प्रॉपरली दिमाग लगाना पड़ेगा राइट अच्छा अभी जो मैं इसके रिलेटेड जो भी आपको सजेशन दूंगा ठीक है वो मेरा प्योरली अपना सजेशन रहेगा प्योरली पर्सनल ठीक है आपको सेलेक्ट करना है दैट आपके लिए सही डायरेक्शन कौन है क्योंकि मैं आपको दो किस्म ऑफ बच्चे दिखाऊंगा राइट दैट एक बच्चे को क्या आसानी लगती है दूसरे बच्चों को क्या आसानी लगती है तो आप किस बच्चे के टाइप्स में लाइक करते हो वो आपको डिसाइड करना है और उसके आधार पर आपको अपना डिसीजन लेना है राइट right? तो देखो टेक्निकली अगर देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे एट्टी मार्क्स का जो क्वेश्चन सॉरी अस्सी क्वेश्चन रहते हैं टोटली ठीक है टोटल अस्सी क्वेश्चन रहते हैं राइट right? और 200 नंबर के रहता है ठीक है तो आप 200 डिवाइडेड बाय 80 कितना हुआ 2.5 पॉइंट हो रहा है राइट right? मतलब एक पर क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स के हैं ठीक है क्योंकि टोटल नंबर जो है वो तो 200 है और क्वेश्चन पूछा गया 80 ठीक है तो टेक्निकली 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है जिसमें टू डिवाइडेड बाई थ्री इतना जो है ना ये नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई ठीक है तो नेगेटिव भी हमें नहीं करना है ठीक है अब देखो 80 क्वेश्चन का अगर 200 नंबर हुआ ठीक है तो 100 नंबर कितना में 40 क्वेश्चन ठीक है और हमें पास मार्क्स कितना है 33 परसेंट लाना है 33 परसेंट ऑफ 200 कितना हुआ 67 मार्क्स होता है मतलब टेक्निकली आपको कितने नंबर लाने हैं 67 नंबर लाने हैं तो आप पास हो गए अदरवाइज देखोगे ना पिछले बार देखे ना 65 फाइव पॉइंट कुछ लाके फेल कर गए बट यू नो जीएस में जो है 112 के आसपास आया था तो देखो वो मैटर नहीं करता ना इसमें भी आपको पास होना है इसमें भी थर्टी थ्री नंबर परसेंट लाना है और इसमें भी वही चीज थर्टी थ्री परसेंट मतलब सिक्सटी सेवन नंबर लाना है अब तक अब सिक्सटी सेवन नंबर का इकोनॉमिक्स अगर देखे तो कितना हमें क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना पड़ेगा ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन सॉल्व करने का पड़ेगा वो भी एब्सोल्यूटली करेक्ट तभी आपका सिक्सटी आएगा समझ लो ध्यान देना 27 क्वेश्चन अगर आप एप्सल्यूटली करेक्ट कर रहे हो एक भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग नहीं है तब आपका 67.5 आएगा और आपको पास करना है सिक्सटी में ठीक है तो आपको टेक्निकल कितने क्वेश्चंस राइट करने पड़ेंगे 27 क्वेश्चंस आप खुद सोचो 200 नंबर पे आपको 67 नंबर लाना है जिसके में 80 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है ना उस 80 क्वेश्चन में मात्र 27 क्वेश्चन आपको सही करने है मेरे भाई ये 27 क्वेश्चन नहीं सब सही कर पाओगे आप देखो इस इकोनॉमिक्स को अगर आप इस कैलकुलेशंस को अगर इस नंबर को समझ गए ना आप आपके लिए पूरा ये जर्नी आसान हो जाएगा ठीक है तो चलो इसको और भी अच्छे से समझते हैं हमारे पास 200 नंबर है टोटली totally वैसे तो हमें 67 नंबर लाना है पास करने के लिए बट मैं आपको पास करने के लिए इनक्रेज नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ दैट आप मिनिमम 100 के अगर नंबर से ऊपर ला रहे हो तो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री रह जाता है इंसान बट स्टिल मैं आपको जो अभी नंबर का गेम सिखाऊंगा ना तब आप और भी प्रॉपरली समझ पाएगा कैसे होगा राइट तो 67 नंबर में कितना मतलब 67 नंबर लाना है मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें लगाना है 27 वो भी करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट होगा तभी आपका ऐसा नहीं था सत्ताईस क्वेश्चन मार के आ गया और सोच तो रहा आप करेक्ट है बट चार पांच क्वेश्चन गलत हो गया ठीक है वो भी गलती नहीं करना है मतलब टेक्निकली हमें इतना थ्रेश जरूर कर देना जिससे हम लोग एकदम रिस्क जोन से बाहर है राइट टोटल 80 क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट अगर 45 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना तो हम लोग रिस्क जोन से बाहर है बट तभी भी 45 क्वेश्चंस तब जब आपके अंदर से कॉल आ रहा है दैट हाँ वट यू हैव डन इज करेक्ट अरे भैया चलो ना अंदर से कॉल आ रहा है चार पाँच परसेंट भी अगर गलत हो गया तो भी कोई गम नहीं होगा है ना एटलीस्ट ट्वेंटी सेवन तो प्लस मतलब टेक्निकली सिक्सटी सेवन प्लस नंबर आ जाएंगे उसमें ठीक है तो उसके लिए आप क्या करोगे देखो दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक है रीजनिंग इसको मैंने एक सिंगल पार्ट में रखा है और दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रीहशन ठीक है अब देखो दो टाइप ऑफ बच्चे होते हैं एक वैसे बच्चे जिनको क्वांट ज़्यादा इजी लगता है एक वैसे बच्चे जिसको रीडिंग शन ज्यादा लगता है ठीक है तो देखो आपके पास दो घंटे हैं दो घंटे बोले तो एक मिनट ठीक है एक मिनट में पहला जो 45 मिनट है ना देखो ऑप्टिमम समझना पहला 45 मिनट आप क्या करोगे अगर आपको रीडिंग इजी लग रहा है तो मेक श्योर दैट फर्स्ट 45 मिनट एकदम अंधा धून ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन आपका टारगेट यही होना चाहिए जितना ज्यादा सॉल्व कर सको ठीक है वो भी एकदम सही सही ध्यान देना इसमें एकदम सही सही हंड्रेड परसेंट करेक्ट होना चाहिए लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं यहां पे यहां पे एक भी परसेंट आपका रॉन्ग नहीं मानूंगा मैं है ना यहां पे हंड्रेड परसेंट करेक्ट के साथ साथ आप पहला फोर्टी फाइव मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है आप यही सॉल्व कीजिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप खुद दिमाग लगाओ ना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप 45 अगर मैं एक क्वेश्चन को आप कितना मान रहे हो एक मिनट में कर पाओगे दो मिनट में कर पाओगे चलो मैं तीन मिनट मान रहा हूँ भाई है ना इसको भी अगर 45 को डिवाइडेड बाय थ्री कर दोगे कितना हो रहा है आपका वन फाइव ठीक है मतलब टेक्निकली अगर देखोगे आपको पंद्रह क्वेश्चन ठीक है अगर तीन मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ठीक है तब तो आपका पंद्रह मिनट अगर तीन मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तब आप पंद्रह क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे राइट अगर चार मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तब आप ग्यारह क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे समझ रहे हो, हो रह बात है ना तो देखो मैं आशा करता हूं यार इतना तो यार इतने तो आप लोग पढ़े बट एनी चलो ना मैं ये वर्ष सिचुएशन मान ले रहा हूँ सिचुएशन क्यों मानू ये वर्ष सिचुएशन होना चाहिए यार सिचुएशन अगर मैं मानूंगा ना मतलब मैं यह मान रहा हूं दैट आपने कुछ भी सी सेट का प्रिपरेशन ही नहीं किया जो कि आप अपने पैर में बहुत बड़ा आपने कुल्हाड़ी मारा हुआ है अभी भी टाइम है हर रोज एक एक घंटा भी देख लोगे दैट इज मोर देन इनफ है ना वैसा पास ट्रेंड के क्वेश्चन उठाओ देखो दैट किस किस पोर्शन से ज्यादा पूछा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैं फोकस करने के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसका अगर जो भी आप आंसर निकाल रहे हो ना वो आपको इस चार ऑप्शन में दिख जाएगा दैट हाँ वहीं पर एक आंसर है ठीक है तो इस टाइप से अप्रोच करने की कोशिश करो फॉर एग्जाम्प है ना मैं वर्स सिचुएशन में मान लिया चलो बारह क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो ठीक है तो देखो बारह क्वेश्चन भी बहुत कम हो गया लेकिन ठीक है बट ये पहला फोर्टी फाइव मिनट आपका टारगेट है मतलब पहला फोर्टी फाइव मिनट टारगेट है मतलब साठ सत्तर पिछहत्तर और भी सेवेंटी फाइव मिनट लेकिन आपके पास मिलेंगे है ना बट पहला 45 फाइव मिनट्स आप कितना प्रिसाइजली आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो सोचो अगर आपने 15 क्वेश्चन किसी ने सॉल्व कर लिया किसी ने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद पहला 45 फाइव बट ये आपको पता है ना दैट ये 100% परसेंट आपका सही है देखो यहाँ पर आपको पता है ना दैट ये 100% परसेंट सही है मतलब दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए आपकी ये नंबर तो आपका काट नहीं सकता ठीक है तो पंद्रह अगर आपने सॉल्व किया तो भी आपके एकदम निकट पहुंच गए हो क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन सॉल्व करना है ना जी है ना मतलब आपके कितने बचे तेरह क्वेश्चंस बचे है ना और इस केस में आपके कितने क्वेश्चंस बचे सोलह क्वेश्चंस बचे ठीक है समझ रहो बात अच्छा जहां पे जितना भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया पंद्रह या ग्यारह या बारह या तेरह चौदह जितना भी किया या फिर बीस क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिया तो मेक श्योर डेट ये फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद दो मिनट में या तीन मिनट या चार मिनट जितना टाइम लग रहा है पहले बबल्स को मार्क कर लो है ना <laughs> नहीं तो बाद में भूल जाओगे कसम से मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मतलब डाउट्स आता है इनफैक्ट शायद आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा पास्ट में अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो क्यों क्योंकि देखो मैथ्स ऐसा होता है ना हम अगर हम लोग कोई एक मैथ्स में सॉल्व करने लग जाए ना अगर वो आंसर ना निकले ना हमें फिर से लगता है अरे यार इतना चार मिनट तो हमने ख़त्म कर दिया यार चलो और भी दो मिनट खत्म कर देते हैं और भी दो मिनट में नहीं होता मतलब टोटली छः मिनट हो गया फिर से और दो मिनट लगा देते हैं है ना और दो मिनट कर करके दस बीस मिनट उसी में लग जाता है भैया एक बार में अगर आंसर नहीं निकला है ना दो तीन मिनट में छोड़ दो उसको देखना भी मत सीधा काट दो उस क्वेश्चन के आगे आंसर में है ना देख लो दैट हाँ आपसे आंसर नहीं निकला ख़त्म नहीं निकलेगा यार छोड़ो ना उस आंसर को आपको क्यों उस आंसर को राइट करना है यार दूसरे आंसर में देख क्वेश्चन को देखो ना ठीक है तो आपको कितना बचा टेक्निकली यहां पर तेरा क्वेश्चन राइट करने देख क्योंकि यहां पे आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो मैंने आपको पहले ही माना है दैट यहां पे आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो ठीक है उसके हिसाब से आपने पंद्रह क्वेश्चन किया तो तेरह क्वेश्चन आपका बचा ग्यारह क्वेश्चन अगर किया तो सोलह क्वेश्चन बचा और उसके बाद आपने काउंट ये बबल मार्क कर लिया जिससे कि आप आधा तो सिक्योर हो गया चल भाई आधा नंबर तो है अब देखो इससे क्या होता है ना इससे माइंड फ्रेम का गेम है ये बेसिकली अगर आपका सिर्फ तेरह क्वेश्चन बचा ना तो आपके पास 75 मिनट्स है और तेरह क्वेश्चंस है आप ना अंदर से सुकून आपका आएगा अरे भाई चल है ना क्योंकि आपने तो पता है यहाँ पे 100% परसेंट के साथ करेक्शन किया ना ये सब मतलब ये कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता तो आप भीतर से काम हो जाओगे चल भाई पिचहत्तर मिनट में मात्र तेरह क्वेश्चन को हमें सही सही करना है है ना मतलब कि भीतर से रिलीफ हो जाएगा अब आया आपका पिचहत्तर को मतलब काउंट बबल करके थोड़ा पानी पीजिए थोड़ा हौले हौले एक मिनट रेस्ट लीजिए उसके बाद उसके बाद जो आपको पेस पकड़ना है, है ना उसके बाद एटलीस्ट एटलीस्ट आपको पहला फोर्टी मिनट्स जो है ना टेक्निकली इसको मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूँ फोर्टी मिनट्स भी फुल्ली पेस के साथ करना है है ना जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सको बाकी या तो क्वांट से अगर बच गया या फिर रीडिंग कॉम्बिनेशन से बच गया जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सको करो ठीक है और जैसे कर लिए उसके बाद फिर से बबल मार्क कर देना ठीक है तो आप देखो इसी में आप एक्चुअली में पास कर जाओगे यहीं पर है ना अगर ये ट्रिक लगाओगे तो उसके बाद जितना भी आपके पास 25 मिनट बचा अगर आप देख लिए दैट हाँ भैया यहाँ पर ये भी आपका 100 परसेंट सही हुआ और आपका साथ ही साथ आपका यू नो 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया तब तो आप तो भीतर से तो शांत हो ही जाओगे आपको समझ में आ जाएगा दैट हाँ भाई मैंने पास कर गया ठीक है कुछ अगर डाउट होगा तो मेक श्योर sure इस 25 मिनट में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो राइट बट ध्यान देना ये भी ट्रिक उन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्चुअली में प्रिपरेशन किया होगा सी सैट का भी ऐसा मत इंजीनियर वाले लोग ज़्यादा लोग यू you नो know, हवा में चलते हैं ना वो उतना कूदना मत आप लोग ठीक है <laughs> इंजीनियरिंग की है ठीक है बट यू आर नॉट दैट मच एक्सपर्टाइज इनफैक्ट पता है अभी तो इतना भी कुछ कुछ टफ क्वेश्चन पूछ गया जो कि बैंक में पूछते हैं पहले ऐसा नहीं होता था पता है मैं आपको क्लियट बता दे रहा हूँ आप 2016, 2015, 2017 का क्वेश्चन उठा के देख लो एकदम लो, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन से पूछता था ठीक है मतलब आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो ना आप आराम से सॉल्व करके आ जाओगे ट्रस्ट मी नहीं भी अगर आप एक भी एक पनी भी प्रिपरेशन अगर आपने नहीं किया है तब भी आप आराम से सॉल्व करके सौ नंबर लेकर आ जाओगे बट अभी वैसा नहीं है मेरे भाई समय के साथ साथ ये लोगों ने टफनेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है आपको भी अपना प्रिपरेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा और प्रिपरेशन लेवल बढ़ाना मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस सी सैट पेपर्स यू नीड टू प्रैक्टिस क्वांट्स यू नीड टू प्रैक्टिस रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्परिएशन एज वेल रीडिंग कॉम्परिएशन और रीजनिंग को नहीं भी करो मतलब एटलीस्ट क्वांट्स और रीजनिंग को तो करना चाहिए यार ये ऐसा मुझे लगता है ठीक है तो अभी भी समय गया नहीं है ठीक है इन नंबर्स को देखो कुछ डरो और हाँ साथ ही साथ अपना प्रिपरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड करो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड अगर आपको कैसा भी हेल्प चाहिए अफकोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अप राइट चलो बाय टेक केयर थैंक यू